हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज प्रियंका एंड दिस वीडियो इज रिलेटेड टू सीटेट एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। अगर आप सीटेट की या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्टडीज क्विज चैनल से आप जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट NCERT बुक कवर करा रही हूँ जो कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी मैं बात कर दे रही हूँ जो फिलहाल अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये है NCERT बुक क्लास 7 का क्वालिटी और आज का हमारा ये लास्ट चैप्टर होगा। और एक बात मैं और कह रही हूँ कि आज थोड़ा आपको वीडियोस में थोड़ी बहुत नॉइज सुनाई दे रही होगी, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ठीक है, तो चूंकि मुझे मेरा काम है आप सभी के लिए वीडियो प्रोवाइड कराना, इस कारण मैं इसे रोक नहीं पा रही हूँ। ओके, बारिश सुबह से हो रही है लगातार, तो प्लीज़ आप थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिएगा। ओके, तो वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा सिर्फ मैं उसी को कवर कराऊंगी, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं होगा मैं उसे स्किप कर दे जाऊँगी। ओके, और वीडियोज़ की अगर आपको PDF फॉर्म चाहिए तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कीजिए, वहाँ पर स्टडी स्क्वीज़ ही आप सर्च कीजिएगा और चैनल आपको मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा लास्ट चैप्टर है इसमें ये है समानता के लिए संघर्ष। ठीक है, तो इस टोटल चैप्टर में जितने फिगर दिए गए हैं इस सब जितने फिगर्स हैं उनको यहाँ पे दिखाया गया है। अब बात कर लेती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या आ रहा है। तो इस पुस्तक में अभी तक आपने कांता अंसारी दंपति, मिलानी और स्वप्ना जैसे लोगों के बारे में पढ़ा। इन सब की कहानियों में जो बात समान है वह है यह कि उनके साथ असमानता का व्यवहार किया गया है। ऐसी स्थितियों में लोग क्या कर सकते हैं, इतिहास में इस बात के अनेक उदाहरण हैं जहां लोग असमानताओं के विरुद्ध और न्याय के लिए संघर्ष के लिए एक साथ खड़े हुए। क्या अध्याय 1 में रोजा पार की कहानी आपको याद है? क्या अध्याय 5 में स्त्री आंदोलन पर पढ़े चित्रलेख आपको ध्यान है? इस अध्याय में आप कुछ ऐसी कोशिशों के बारे में पढ़ोगे जिसके द्वारा लोगों ने असमानता के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज के चैप्टर के दौरान हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। और प्रीवियस चैप्टर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, टोटल वीडियोज़ आपको वहाँ पे अवेलेबल हो गया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, क्लास 6 का साइंस और सोशल साइंस भी कंप्लीट हो चुका है। सीटेट पेपर 1 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 3 to 5 मैथ और EVS भी अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, अब आती हूँ मैं यहाँ से। आपको इसको क्या करना है कि इसको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, मैं इसे बिल्कुल छोटा कर दे रही हूँ। या फिर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ये पेडागोजी सेशन के अंतर्गत आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपको काम करना है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। महिलाओं के द्वारा किए गए काम अक्सर ही पुरुषों के काम की तुलना में तुच्छ माने जाते हैं, यानी कम माने जाते हैं, उनको वैल्यू नहीं दी जाती है। इस सभी के साथ किए जाने वाले भेदभाव का प्राथमिक कारण यह था कि वे किसी खास सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के थे या वे महिलाएं थीं। धर्म, जाति और लिंग वे कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके आधार पर आज भी भारत में लोगों से असमानता का व्यवहार किया जाता है। गरीबी, मानवीय गरिमा का अभाव और कुछ विशेष समुदायों के प्रति अपमान जैसे कारक अक्सर ऐसे मिले जुले ढंग से सामने आते हैं कि यह तय करना कठिन हो जाता है कि कहाँ एक तरह की असमानता खत्म होती है और कहाँ दूसरी असमानता शुरू हो जाती है। आपने पढ़ा है कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम लड़कियों में पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वालों की संख्या बहुत अधिक है। यह स्थिति गरीबी, सामाजिक असमानता और इन समुदायों के लिए अच्छी स्कूल सुविधाओं के अभाव जैसे कई मिले जुले कारणों से पैदा हुई है। ठीक है, साइड में देखिए, भारत में यह वास्तविकता है कि वे जो गरीब हैं सामान्यतः दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के हैं और इनमें से भी विशेषतः महिलाएं हैं। ठीक है, और सेकंड जो यहाँ पर दिया गया है, 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि हमारी जनसंख्या के 48.5% महिलाएं हैं, 14.2% मुसलमान हैं और 16.6% दलित हैं और 8.6% आदिवासी हैं। तो इसको आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा, दोनों को सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछता है। वो छोटे छोटे डीपली क्वेश्चन ज़्यादातर उठा के सीटेट जो है देता है, जिसके कारण स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं। ओके, अब सतत विकास लक्ष्य 10 यहाँ पे कह रहा है कि असमानता को कम करना। सतत विकास लक्ष्य हर एक चैप्टर में लगभग दिया गया है, आप उसको सीरियल वाइज करके नोट डाउन जरूर कीजिएगा यहाँ पे, या फिर यहाँ पे लिंक दिया गया है, यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
अब आगे है समानता के लिए संघर्ष। दुनिया भर में तमाम समुदायों, गांवों और शहरों में आप देखते होंगे कि कुछ लोग समानता के लिए किए गए संघर्षों के कारण समान से पहचाने जाते हैं। ये वे लोग हैं जो अपने हाथ या अपने सामने किए जा रहे किसी भेदभाव के विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं। हम इनका सम्मान इसलिए भी करते हैं कि इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मानवीय गरिमा के साथ स्वीकार किया है और सदैव इसे धर्म और समुदाय के ऊपर माना है। इसे लोग बहुत विश्वास के साथ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बुलाते हैं। अक्सर समानता के किसी विशेष मुद्दे को लेकर संघर्ष करने वाले व्यक्ति समाज में एक महत्वपूर्ण पहचान बना लेते हैं, क्योंकि समान की लड़ाई में बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हो जाते हैं। भारत में ऐसे अनेक संघर्ष याद किए जा सकते हैं जहां पर लोग ऐसे मुद्दों के लिए लड़ने को आगे आए हैं जो उन्हें महत्वपूर्ण लगते हैं। अध्याय 5 में आपने पढ़ा है कि कैसे और किन तरीकों से समानता के लिए महिलाओं का आंदोलन खड़ा हुआ। मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ ऐसी ही दूसरी उदाहरण है, ठीक है। इसको भी नोट डाउन कीजिएगा, तवा मत्स्य संघ कहाँ का है, तो ये मध्य प्रदेश का है। आगे है, जहाँ लोग अपने अधिकार के लिए साथ खड़े हुए, ऐसी तमाम संघर्ष गाथाएं हमारे पास है जिसमें बीड़ी मजदूरों, मछुआरों, खेतीहर मजदूरों, झुग्गी वासियों के समूहों ने अपनी तरह से न्याय के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। ऐसे तमाम प्रयास भी हमारे सामने हैं जहां लोगों ने मिलजुल कर साधनों पर नियंत्रण करने के लिए सहकारी संगठन खड़े किए हैं। अब तवा मत्स्य संघ क्या है, इसके बारे में जान ले रहे हैं। तो जब जंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभयारण्य घोषित कर दिया गया और बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है तो हजारों लोग विस्थापित होते हैं। पूरे के पूरे गांव के लोगों को अपनी जगहों को छोड़कर कहीं और नए घर बनाने और नई जिंदगी आरंभ करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इन विस्थापितों में से अधिकांश लोग गरीब होते हैं। शहरी क्षेत्रों में वे बस्तियां जहां गरीब रहते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। इनमें से कुछ को शहर के बाहरी इलाकों में दोबारा बसाया जाता है। इस सारी कवायद में न सिर्फ हटाए गए लोगों के काम धंधे प्रभावित होते हैं बल्कि शहर में स्थित स्कूलों से दूर हो जाने की वजह से इन बस्तियों के बच्चे की पढ़ाई भी अक्सर गंभीर रूप से प्रभावित होती है। लोगों और समुदायों के विस्थापन हमारे देश में एक बड़ी समस्या के रूप ले चुका है। ऐसे में कई बार लोग संगठित होकर इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए सामने आते हैं। देश में ऐसे बहुत से संगठन हैं जो विस्थापितों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ओके? इस अध्याय में हम तवा मत्स्य संघ के बारे में जानेंगे जो मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है। नोट डाउन कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। और सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकार के लिए लड़ रहा है, तो स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। छिंदवाड़ा जिले में महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल होती हुई आती है। तवा पर एक बांध का निर्माण 1958 में आरंभ हुआ और 1978 में पूरा हुआ। जंगल के बड़े हिस्से के साथ ही बहुत सी कृषि भूमि भी बांध में डूब गई जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे। इसमें से कुछ विस्थापितों ने बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने पर व्यवसाय आरंभ किया। यह सब करके भी वे बहुत थोड़ा सा कमा पाते। 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्र से सस्ते श्रमिकों को ले आए। ठेकेदारों ने गुंडे बुलाकर गांव वालों को धमकियां देना भी आरंभ कर दिया क्योंकि लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे। गांव वालों ने एकजुट होकर तय किया कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बनाकर सामने होने का वक्त आ गया है। इस तरह तवा मत्स्य संघ नामक संगठन को बनाया गया। आगे है, नवगठित तवा मत्स्य संगठन यानी TMS हो सकता है, ये नेम ना देखे इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है उसको सीटेट में देके पूछ सके, ठीक है। तो ने सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछलियां पकड़ने का काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए। यह मांग करते हुए चक्का जाम शुरू किया गया। उनके प्रतिरोध को देखकर सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की। समिति ने गांव वालों
कि जीवन यापन के लिए उनको मछलियां पकड़ने का अधिकार देने की अनुशंसा की। ठीक है, आगे है 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तवा बांध को जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ के विस्थापितों को ही दिया जाएगा। 2 महीने बाद सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा यानी लीज देना स्वीकार कर लिया और इस तरह 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र में 33 गाँवों के लिए नया साल सही अर्थों में आरम्भ हुआ। आगे है यहाँ पे तवा मत्स्य यानी TMS के साथ जुड़कर मछुआरों ने लगातार अपनी आय का इफाजा दर्ज किया। यह इसलिए संभव हुआ कि उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई जो पकड़ी गई मछलियों की प्रत्येक खेप की उचित कीमत सीधे उन्हें देती है। यह सहकारी समिति इसके बाद की प्रक्रिया में भी शामिल होती है। सारा माल बाजार तक पहुंचाना और वहां भी उचित मूल्य पर प्राप्त करना समिति का ही काम है। ये मछुआरे अब पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा कमाने लगे हैं। तवा मत्स्य संघ ने जाल खरीदने और रखरखाव की जरूरत के लिए मछुआरों को ऋण देने की भी व्यवस्था की है। मछुआरों के लिए अच्छी आमदनी प्राप्त करने के साथ साथ तवा मत्स्य संघ ने इस बात की भी व्यवस्था की है कि जलाशयों में मछलियों को ठीक ढंग से पलने बढ़ने की स्थितियां मिले। TMS ने सभी के सामने यह बात सिद्ध की है कि लोगों को जब आजीविका का अधिकार मिलता है तो वे अच्छे प्रबंधन के गुणों का परिचय भी देते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे ये फिगर देख रहे हैं कैसे लोग विरोध किए थे और यहाँ पे साइड में आप लोग छोटे मोटे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो बच्चे के लिए दिया गया था और मैं इसे स्किप कर दी थी, इसको आप लेके पढ़िएगा, जरूर इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं बढ़ जाती हूँ आगे। यहाँ प्रस्तुत यह गीत विनय महाजन द्वारा सूचना के अधिकार के अभियान में लिखा गया था, तो जानने का हक, ये आप टोटल पोयम लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये लिख लीजिएगा कि जानने का हक किसके द्वारा लिखा गया है, तो विनय महाजन द्वारा, और कब, तो सूचना के अधिकार के अभियान में ये लिखा गया था। असमानता के विरुद्ध रचनात्मक अभिव्यक्ति यहाँ पे दिया गया है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये सभी आप, ये जो टोटल है वो सभी आपके लिए टास्क है, टास्क समझ के आपको पूरा करना है। आगे है भारत के संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज। ओके, न्याय के लिए किसी आंदोलन और समानता के लिए गीत और कविता की तमाम प्रेरणाओं के पीछे एक भाव होता है, वह मनुष्य की समता का ही होता है। आप यह जानते ही हो कि भारत का संविधान हम सभी को समान मानता है। देश में समता के लिए चलने वाले आंदोलन और संघर्ष अक्सर संविधान के आधार पर ही समता और न्याय की बात करते हैं। तवा मत्स्य संघ के मछुआरों की आशा का आधार भी संविधान की प्रावधान ही है। अपनी बातचीत में लगातार संविधान का जिक्र करने से वे उसे एक ऐसे जीते हुए दस्तावेज की तरह उपयोग कर रहे हैं जो हमारे जीवन में सचमुच अर्थ रखता हो। लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का दायरा बढ़ाया जाए और अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की जरूरत को स्वीकार किया जाए। समता का मूल्य लोकतंत्र के केंद्र में है। इस पुस्तक में हमने ऐसे कुछ मुद्दों को देखने का प्रयास किया है जो लोकतंत्र के इस मूल भाव के लिए चुनौती पैदा करते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा कि देश स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण संचार के माध्यमों, जिसे मीडिया कहते हैं, पर व्यावसायिक धारणाओं का बढ़ता दबाव और नियंत्रण, महिलाओं के श्रम को कम मूल्य देना और कपास के किसानों को बेहद कम आय होना, ये सब लोकतंत्र के लिए चुनौतियां हैं। ये वे मुद्दे हैं जो सीधे गरीबों को प्रभावित करते हैं और समाज में उपेक्षित समुदायों से जुड़े हुए हैं। ये देश में सामाजिक और आर्थिक समानता से जुड़े मुद्दे हैं। लोकतंत्र के लिए समता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रहती है जब उसके पास अपने और परिवार की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन हो और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। अब यहाँ पे साइड में आप देख लीजिए, 2001 में लखनऊ में 1500 से ज्यादा लोग महिलाओं के खिलाफ हिंसा
का विरोध करने के लिए एक जन सुनवाई में इकट्ठे हुए। इसमें प्रतिष्ठित महिलाओं ने एक झ्यूरी बनाई और उन्होंने न्यायाधीशों की भूमिका निभाते हुए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 15 से ज्यादा प्रकरणों की सुनवाई की। लोगों की इस झ्यूरी ने इस सच्चाई को उभारने में मदद की और कानून व्यवस्था में हिंसा के खिलाफ न्याय की मांग करने वाली महिलाओं को कितना कम सहयोग मिल पाता है। ठीक है, आगे है यहाँ पे संदर्भ आ गया, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये जो हमारा लेशन है टोटल, ये बुक जो है पॉलिटी की आज समाप्त हो रही है, इस कारण यहाँ पे लास्ट में संदर्भ दिया गया है। यहाँ पे लिंक वगैरह शेयर की जाती है। भारत राजनीतिक यहाँ पे दिखाया गया है, आप इसको मन करे तो स्क्रीनशॉट लेके इसका मैप बना सकते हो। और स्कूल सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान, यहाँ पे भी फिगर आप सभी देख सकते हो। तो ये था आज का लास्ट चैप्टर पॉलिटी की क्लास 7 की, जो हो गया यहीं पे समाप्त। वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर किया कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मैं आप सभी के लिए क्लास 7 का हिस्ट्री स्टार्ट करूंगी, तो तब तक के लिए हमारे साथ अब बने रहें। मैं फिर मिलूंगी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। जय हिंद।